हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट, यूपीटेट व अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बाल विकास के सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण कथन एवं परिभाषाएं। इस वीडियो में हमने यूपीटेट, सीटेट में आज तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण कथनों को भी इंक्लूड किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन तो इस वीडियो से पक्का आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कथन है, क्रो एवं क्रो के अनुसार इनके अकॉर्डिंग बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। नेक्स्ट कथन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार इनके अकॉर्डिंग बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन गैरिसन ने दिया है। स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट कथन है, वाटसन के अनुसार इनके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट कथन है, क्रो एवं क्रो के अनुसार इनके अकॉर्डिंग 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। अब यहां से स्टार्ट होती हैं बाल विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कथन व परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है, क्रो एवं क्रो के अनुसार इनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं तथा बालक रेंगना, बोलना, चलना सीखता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वैलेंटाइन के अनुसार इनके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फ्राइड के अनुसार और इनके अकॉर्डिंग मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गुड एनफ के अनुसार इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। नेक्स्ट कथन है, गेसेल के अनुसार इनके अकॉर्डिंग बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का ज्ञान सीख लेता है। अगला कथन है, थार्डनाई के अनुसार इनके अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, रास के अनुसार इनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था में शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है तथा कल्पना के द्वारा ही वह अपनी जीवन की कठोरता को दूर करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 से 12 वर्षों के बीच होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है तथा यह अवस्था माता पिता के लिए समझना सबसे ज्यादा कठिन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रास के अनुसार इनके अकॉर्डिंग बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, किल पैट्रिक के अनुसार इनके अकॉर्डिंग किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखें। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, दबाव, तूफान, हमला, विरोध व तनाव का काल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, जर्सील्ड के अनुसार इनके अकॉर्डिंग किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, कुल्हन के अनुसार इनके अकॉर्डिंग किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति काल है। और ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये संवेग से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है, जो कि है वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कथन की ओर, जो कि है, रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, जर्सील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने व उत्तेजित हो जाने की दशा को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग बालक की जटिल दशा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉटसन के अनुसार है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, जो कि है, नवजात शिशुओं में जन्म से ही 3 मूल संवेग पाए जाते हैं, जो कि भय, क्रोध व स्नेह है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है पावलाव के अनुसार इनके अकॉर्डिंग संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। नेक्स्ट कथन है हरलाक के अनुसार इनके अकॉर्डिंग सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। सामाजिक विकास से रिलेटेड हरलाक ने एक और डेफिनेशन दी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछी भी गई है, जो कि है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो के अनुसार इनके अकॉर्डिंग जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। नेक्स्ट डेफिनेशन है हरलाक के अनुसार इनके अकॉर्डिंग भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। भाषा विकास से रिलेटेड थॉम्सन की एक डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्विभाषीय वातावरण में पले बालक भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशनों में एक है क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर के अनुसार इनके अकॉर्डिंग सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्रेवल के अनुसार इनके अकॉर्डिंग वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। कल्पना के बारे में लिखते हुए मैकडूगल ने कहा है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए रूप में प्रयोग करते हैं। यह स्टेटमेंट रायबर्न के अनुसार है। बोरिंग व अन्य के अनुसार कल्पना की सामग्रियां स्मृतियां हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। चिंतन की दोनों डेफिनेशंस जो कि रास के अनुसार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, जो कि है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह पहली डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मन के अनुसार इनके अकॉर्डिंग तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना है जिसको केवल पूर्व समाधानों के प्रयोग से हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है बुद्धि की जो कि बकिंगम के अनुसार है। इनके अकॉर्डिंग सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गाल्टन के अनुसार इनके अकॉर्डिंग बुद्धि सीखने व पहचानने की शक्ति है। नेक्स्ट डेफिनेशन बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की है जो कि कोल व ब्रूस ने दी है। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन गिलफोर्ड के अनुसार है जो कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की है। इनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑलपोर्ट के अनुसार इनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यह कथन वुडवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेसिल के अनुसार इनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन वंशानुक्रम की है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से उसकी संतानों में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर के अनुसार इनके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम माता पिता से उसकी संतानों में हस्तांतरित होने वाली शारीरिक व मानसिक विशेषताएं हैं। बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट डेफिनेशन वातावरण से रिलेटेड है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, जो कि है रास के अनुसार वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो के अनुसार व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह दोनों के एकीकरण की उपज है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक शून्य हुआ तो विकास भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन अधिगम से रिलेटेड है और जो कि इस बार के टेट एग्जाम में पूछी भी गई थी, जो कि है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गेट्स व अन्य के अनुसार
इनके अकॉर्डिंग सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल एवं सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, सीखना विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार, जब बच्चा एक अवधारणा को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रोबल के अनुसार, हम करके सीखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गेसेल के अनुसार, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अधिकम वक्र से रिलेटेड है, जो कि है गेट्स व अन्य के अनुसार, अधिकम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का ग्राफ में प्रदर्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन एबिंग हास के अनुसार है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अधिकम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति व प्रगति की सीमा का ग्राफ में प्रदर्शन है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने का पठार कहलाती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान व कुशलता का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही सीखने का हस्तांतरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व आदत का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही सीखने का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। एवरिल के अनुसार, अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। गुड के अनुसार, प्रेरणा कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, योग्यता व अभिप्रेरणा का योग ही निष्पत्ति यानी अचीवमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। डंबिल के अनुसार, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, अभिरुचि व प्रेरणा शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैकडूगल के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग अभिरुचि गुप्त अवधान है और ध्यान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप। नेक्स्ट डेफिनेशन है भाटिया के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग रुचि का अर्थ दो वस्तुओं में अंतर करना है। वुडवर्थ के अनुसार, पहले सीखी हुई बातों का स्मरण करना ही स्मृति है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रायबर्न के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग अपने अनुभवों को संचित करने और उनको प्राप्त करने के पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्काउट के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मन के अनुसार, पहले सीखी हुई बातों को पुनः स्मरण करने की असफलता ही विस्मृति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्राइड के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेनले हॉल के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के आरंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है काल व ग्रूस के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग खेल के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। वाटसन के अनुसार, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं चाहे जो बना दूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी इनपुट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।